ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सर्किट डेवलप करा था और इसके लिए हमने कोड बनाया था, हम किस तरह से मोटर को फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें अगर हमें दो मोटर्स को कंट्रोल करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मोटर्स को कंट्रोल करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विचेस को इसके साथ में लेके आएंगे। तो उससे पहले ये मैंने एक इमेज मेरे को मिली थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो इसमें ना दो चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक्टिव और पैसिव में, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी, जो कहते हैं कैपेबल ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक्टिव कंपोनेंट्स वो हैं जो क्या कर सकते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, कैपेबल ऑफ सप्लाइंग एनर्जी, जो एनर्जी को सप्लाई करने के लिए। जब अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है कि यहाँ से हम ऑपरेट करके कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी पावर सप्लाई कर सकती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का हम डायरेक्ट इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसको हम एक्टिव कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं। एलईडी की बात करें, डायोड की बात करें, ट्रांजिस्टर की बात करें और इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें, तो ये सारे जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये आपके सर्किट में या तो सप्लाई को इंटरप्ट करते हैं या तो सप्लाई को अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर बात करें पैसिव कंपोनेंट की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस, ये हमारे पास आ गया इंडक्टर, और ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर RLC, ठीक है, RLC कंपोनेंट। ये हमारे पास आ गया ट्रांसफार्मर, स्विच और थर्मिस्टर, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ और हैं जिनको हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। तो आप लोग इसमें सर्च कर सकते हो कि पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं और एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट तभी करी थी कि क्या ये जो पूरी जहाँ पे फोटो लगाई हुई है, क्या ये बिल्कुल सही है गलत है। तो इस चीज को आपने चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें सही है कौन कौन सी गलत है, जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए। कि मानो कल को आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, तो आप इजीली बता सको। एंड देन अब हम बात करते हैं यहां पर कि कल हम इससे पिछली क्लास में हमने क्या करा था, एक मोटर को कंट्रोल करके देखा था, आज हम क्या करेंगे, दो मोटर्स को कंट्रोल करके चेक करेंगे। अगर वो हमारे पास डायग्राम है, तो कल हमने पहले सबसे पहले कहां से स्टार्ट करा था कि मोटर को हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, मोटर किन किन वोल्टेजेस पे चलती है, ठीक है। आर्डिनो के आउटपुट की बात करी थी, फिर हमने कहा था कि मोटर ड्राइवर को बीच में यूज करना पड़ेगा जो हमारी मोटर्स को ड्राइव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमने मोटर ड्राइवर आईसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो कल हमने मोटर वन के लिए तो कनेक्शन कर लिए थे, आज हम मोटर टू के लिए कनेक्शन करेंगे। तो मोटर टू के कनेक्शन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि क्या यहाँ पर सारे के सारे ग्राउंड आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड्स को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद वीसीसी वन पे 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, वीसीसी टू पे हम वो वोल्टेज कनेक्ट करेंगे जितने पे हमारी मोटर ऑपरेट होने वाली है। तो अगर हम 9 वोल्ट की मोटर यूज करें तो हम 9 वोल्ट वहां पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन को करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे मोटर का कनेक्शन। तो आउटपुट वन और आउटपुट टू के बीच में आप मोटर के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इनपुट वन और इनपुट टू को आर्डिनो से कनेक्ट कर दोगे। उसी तरह से आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट थ्री और आउटपुट फोर के बीच में मोटर कनेक्ट करेंगे,
ठीक है, और इनपुट फोर और इनपुट थ्री को हम आर्डिनो की किसी पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी कनेक्शन हमारे पहले से हुए रहे, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट सर्किट में चलते हैं और यहाँ पर सेकंड मोटर को इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड मोटर हमने यहाँ पर लगा दी, तो सबसे पहले आउटपुट थ्री और आउटपुट फोर के बीच में ये हमारे पास आ गया आउटपुट थ्री, ठीक है। ये कनेक्शन हमने कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोई दो पिन्स और यूज करनी है आर्डिनो की। सो मैं यहां से, कल मैंने आपको बताया था कि हम अनेबल को डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां से अनेबल को डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। उसी तरह से एक अनेबल पिन मेरे पास 3 और 4 के लिए भी है, उसको भी मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा। कनेक्शन कर दिया एंड देन अब हमें क्या करना है, इनपुट 3 और इनपुट 4 को यहां पर आर्डिनो की किसी पिन से कनेक्ट करना है, तो मैम हम ऐसा करते हैं 5 और 6 पे कनेक्शन कर देते हैं। इनपुट 3 से मैंने एक वायर ली, उसको हम कनेक्ट कर दिया 5 के ऊपर एंड देन इनपुट 4 से हमने एक और वायर ली, उसको हमने कर दिया कनेक्ट 6 के ऊपर, और दोनों को मैं कलर असाइन कर देता हूँ येलो, ठीक है, जो हमने आर्डिनो के साथ पिंस कनेक्ट करी है। सो इस कनेक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम इनिशियली इसको एक बार चला के देखते हैं कि क्या ये रन तो नहीं कर रहा। अभी देखो ये वाली मोटर रन कर रही है, कल हमने इसके लिए क्या कोड लिखा था, 5 सेकंड इस तरह से रोटेट करेगी, 5 सेकंड स्टॉप रहेगी, उसके बाद ये माइनस में रोटेट करना स्टार्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। सो कोड में चलते हैं, अब कोड में अगर आप देखोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोटर 2 के लिए भी इसी तरह से कोई ना कोई नाम यूज करना पड़ेगा। सो हम यहां से क्या करते हैं, मोटर 2 के लिए मैं कैपिटल एम यूज कर रहा हूँ, M1, ठीक है, एंड इंट M2, और हमने पिन यूज करी है 5 एंड 6, ठीक है, दो पिन हमने यहां से ले ली। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इन पिन्स को आउटपुट बनाना पड़ेगा, मोटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, और मोटर 2 को भी हमने आउटपुट बना दिया, ठीक है। तो 5 और 6 पिन हमारे पास अब आउटपुट बन चुकी हैं, आर्डिनो में हमने इसको बता दिया हुआ कि हम ये पिन यूज करने वाले हैं, ठीक है। अनेबल पिन को भी मेरे को यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ, उसको डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया हुआ है इस वाली अनेबल पिन को, ठीक है। और यहाँ पर जो अनेबल पिन है उसको भी हमने यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हुआ है 5 वोल्ट के साथ। सो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मोटर 1 फॉरवर्ड मूव कर रही थी तो मेरी मोटर 2 भी फॉरवर्ड मूव करे, तो हम यहां पे लिख देंगे डिजिटल राइट M1 हाई और M2 लो, ठीक है।
ये हमने क्या करा, मोटर टू को भी फॉरवर्ड मूव कर दिया। कॉपी करा, अब हम मोटर टू को भी यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट हमें चेंज क्या करना है, कैपिटल एम टू। एंड इन केस मुझे उस मोटर को रिवर्स भी करना है तो हम क्या करेंगे, उस कोड को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। एंड जस्ट यहाँ पर हमें यूज करना है M1 एंड M2। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, कोड को क्लोज करते हैं। ये देखो दोनों मोटर्स फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, 5 सेकंड के बाद दोनों स्टॉप हो जाएंगी। दोनों स्टॉप हो गई, अब जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये मोटर्स क्या करेंगे, हमारे पास रिवर्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहां से मुझे क्या पता चलता है कि मैं इस तरह से दोनों मोटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हम आज के टास्क के ऊपर आते हैं। मैंने कहा था कि आज हम एक रोबोट बनाएंगे, ठीक। तो रोबोट में अभी हम, जैसे आपने खिलौने वाली एक गाड़ी आती है छोटे बच्चों को वाली, उसमें क्या रहता है कि एक लीवर रहता है, एक बटन रहता है, या तो वो गाड़ी फॉरवर्ड चलती है, या तो वो स्टॉप होती है, या तो रिवर्स चलती है, ठीक है। इस तरह की एक छोटी सी टॉय कार आती है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी सिर्फ अभी जो रोबोट है उसको सिर्फ इतनी इतने ही उसको फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम उसमें सिर्फ इतनी ही प्रोग्रामिंग करेंगे, या तो वो फॉरवर्ड चल सकता है, या तो स्टॉप हो सकता है, या तो रिवर्स हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, मुझे 2 बटन्स लेने पड़ेंगे। ये मेरे पास बटन 1 आ गया, ये बटन 2 आ गया, ये फॉरवर्ड का है, ये रिवर्स का है, ठीक है। और अगर मानो मैं इसमें से किसी बटन को प्रेस नहीं कर रहा, तब मेरा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। तो मेरे पास टेबल किस तरह से बनेगा, अगर मैंने ये वाला बटन प्रेस करा हुआ है तो हम जाएंगे फॉरवर्ड, ठीक है। ये बटन प्रेस करा तो रिवर्स, ओके। एंड मानो दोनों में से कोई बटन प्रेस नहीं करा हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप। अभी हम सिर्फ ये 3 फंक्शन करके देखेंगे, बाद में करेंगे। गाड़ी को हमने, आपने रोबोट को राइट मोड़ना है, उसको लेफ्ट मोड़ना है, किस तरह से मोड़ेंगे वो इसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। सो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर एक रोबोट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसमें हमारे पास यहां पर लगे हुए हैं व्हील्स, ठीक है। ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, यहां से ये व्हील्स हैं, ये हमारी डीसी मोटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डीसी मोटर है, देन जब ये डीसी मोटर्स का हम कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी IC L293D, ठीक है। उसी के है आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के साथ, आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के साथ ये मोटर्स कनेक्ट करने पड़ेंगी। यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो से 1 2 3 4 चार कनेक्शन हम आर्डिनो के साथ करेंगे। जो भी पिन जिसकी ग्राउंड होगी ग्राउंड कर देंगे। एक इसको हम देंगे 5 वोल्ट और एक इसको देंगे जो हमारे पास 9 वोल्ट है, जो इन मोटर्स को रिक्वायर्ड थे, ठीक है। सिर्फ इतना सा सर्किट है अभी। और यहां से हम आर्डिनो से क्या करेंगे, आर्डिनो से मैं वायर्स इस तरह से लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं मल्टीपल वायर्स यहां से लेके जा रहा हूं, ये हमारा रिमोट है। अभी हम एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बना रहे हैं, तो जैसे आपके पास गेम खेलने के लिए रिमोट रहता है ना, उसी तरह से हम क्या करेंगे, आर्डिनो की यहाँ से इनपुट पिंस को यूज करेंगे। और हम यहाँ से क्या करेंगे, स्विच, एक स्विच का सर्किट बनाएंगे। स्विच का सर्किट क्या करेगा, जब हम स्विच में फॉरवर्ड प्रेस करेंगे, रिवर्स प्रेस करेंगे, राइट लेफ्ट प्रेस करेंगे, तो वो हमारा जो रोबोट है उस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है रोबोट बनाने।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये स्विच वाला सर्किट बना लेते हैं। स्विच वाला सर्किट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं स्विचेस के सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए। या तो मैं इस तरह से कर लूं, या तो हम इस तरह से कर लें, ठीक है। इस सर्किट में क्या होता है कि अगर हम स्विच प्रेस नहीं कर रहे हैं तो जीरो आता है, जैसे स्विच को प्रेस करते हैं तो फाइव आता है, ठीक है, जीरो या वन। तो मैं प्रेफर करता हूं मैं ये वाला सर्किट यूज करूं। तो हम अपने सर्किट में जाएंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, मैं यहां पर हमारा रिमोट कंट्रोल बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल का सर्किट है, ये हमारा मोटर कंट्रोल करने के लिए सर्किट है। देखो आप लोग इस प्रोजेक्ट को एज अ मेजर प्रोजेक्ट भी अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। एंड एक तो मेरे को स्विच चाहिए होगा इस तरह से, ये मैं स्विच बना रहा हूं फॉरवर्ड के लिए, और मैं ये स्विच यूज करूंगा रिवर्स के लिए, ठीक है। देन मुझे इन दोनों के लिए चाहिए होगा रेजिस्टेंस, आई थिंक मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछते रहो साथ साथ में, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी देर बाद और कॉम्प्लेक्स होती चलेंगी, तो डाउट साथ साथ में क्लियर करते चलो अगर कोई डाउट है। ओके, हमारा सर्किट रिफ्रेश हो चुका है। हम यहाँ से रेजिस्टेंस प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं इन रेजिस्टेंस को यहां पर प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। अपने सर्किट के अकॉर्डिंग मुझे 5 वोल्ट स्विच में कनेक्ट करनी है, और स्विच के बाद उसको रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करना है। तो मैं दोनों रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, और दोनों की वैल्यू यहां पे सिलेक्ट कर दूंगा 220 ओम। एंड देन दोनों रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट करूंगा ग्राउंड के साथ, और ये हमने कर दिया इसको ग्राउंड, हो गया ग्राउंड। अब एक एक रेजिस्टेंस को हम स्विच के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। एंड देन जो हमारे पास स्विचेस की दोनों अगली साइड है उनको हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। तो मैं 5 वोल्ट यहाँ पर लेके मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी जब मैं 5 वोल्ट कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मान के चलता हूँ, और यहाँ से जो 5 वोल्ट है हमारे पास उसको हम आर्डिनो की 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे स्विचेस अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यूज करेंगे, वोल्टेज को उसको सेट कर देंगे, और वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ग्राउंड टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पे पहले मुझे जीरो दिखना चाहिए, स्विच को प्रेस करूंगा तो 5 वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा स्विच का, ये वाला स्विच का कनेक्शन मेरा बिल्कुल ठीक है। स्टॉप करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव को अब हम चेक करेंगे इस स्विच के टर्मिनल पे, क्या यहाँ पर भी जीरो और वन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जीरो बन रहा है, स्विच को प्रेस करूंगा तो 5 वोल्ट बन जाएगा। सो हमारा सर्किट अभी तक बिल्कुल ठीक है जो हमने इंप्लीमेंट करा हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो आर्डिनो से मैंने कोई भी आर्डिनो की इनपुट पिन यूज नहीं करी, तो मैं यहां से दो पिन यूज करूंगा। अभी के लिए हम यहां से
2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास यूज हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो हम यहाँ से पिंस यूज करेंगे। जीरो मैं यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं यहाँ से 2 और 3 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 मैं यूज कर रहा हूँ स्टार्ट स्विच के लिए। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट स्विच कौन सा है, ये वाला। तो मुझे यहां से कनेक्शन करना है 2 के ऊपर, तो हम यहां से किसी तरह से सर्किट लेके आते हैं कि ज्यादा सर्किट हमारा बिगड़े भी ना। तो मैं बिल्कुल बाहर वाली साइड से लेके आ रहा हूँ उसको, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, एंड स्टॉप स्विच के लिए भी मुझे इसी तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम एक वायर लेके आ रहे हैं, इसके साथ साथ में चलेगी। टू और 3 के ऊपर मैंने दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता कि सर्किट में मैंने वायरिंग बहुत ही खराब तरीके से करी है, क्योंकि ये तब चीज हुई कि मैंने प्लानिंग करके ये चीज नहीं करी। ठीक, जब हम इस चीज को अच्छे से प्लान करके करेंगे तो इतनी वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन कोडिंग में चलते हैं। सो कोडिंग में देखो, इससे पहले जब हमने 7 सेगमेंट यूज करी थी तो मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस एक बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे पता है कि अगर मेरे को पूरे रोबोट को फॉरवर्ड मूव करना है, रिवर्स मूव करना है, स्टॉप मूव करना है, तो मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं। ये पूरा प्रोग्राम किस चीज के लिए है, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, ये किस चीज के लिए है, उसको स्टॉप करने के लिए, और ये किस चीज के लिए है, हमारे रोबोट को रिवर्स करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शंस बनाएंगे। तो फंक्शंस बनाने के लिए तरीका क्या था, जब हमने फंक्शन सीखे थे तो हम क्या करते थे, फंक्शन को सबसे पहले डाटा टाइप देते थे, इंट FW_robot। मैं यहाँ से नाम लेके चलूंगा, रोबो अंडरस्कोर फॉरवर्ड। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को बाद में यूज करूंगा। ठीक है, एक फंक्शन मैंने ये बना लिया, दूसरा फंक्शन मैं बना रहा हूँ रोबो स्टॉप। ठीक है, और थर्ड फंक्शन मैं बना रहा हूँ रोबोट रिवर्स। ओके, देन हम वाइल्ड लूप के बाहर जाके, वाइल्ड लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंट फॉरवर्ड फंक्शन की बॉडी डिजाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रोबो अंडरस्कोर फॉरवर्ड, देन एंटर करके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम जो भी कोड हमारे लिए रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने के लिए यूज होता है उसको मैंने कट करा वहां से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरे पास आ गया रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है, एंड देन मैं एक और फंक्शन की बॉडी बनाऊंगा। अब मैं बना रहा हूँ फंक्शन की बॉडी रोबो स्टॉप। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्टॉप के लिए हमने कोड बनाया था उस चीज को कट करके पेस्ट कर देंगे। स्टॉप के लिए हमारे पास कोड बन गया। देन हम यहाँ से यूज करेंगे इंट रोबो अंडरस्कोर RV। ठीक है, रिवर्स के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड रिवर्स के लिए जो हमारे पास कोड था वॉइड लूप के अंदर उसको कर लेंगे यहाँ से कट, एंड यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब देखो वॉइड लूप के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मुझे जब रोबोट को फॉरवर्ड मूव करना है तो मैं फॉरवर्ड को कॉल करूंगा, रिवर्स करना है तो रिवर्स को कॉल करूंगा, जब स्टॉप करना है तो स्टॉप वाले को कॉल करूंगा। बस यहाँ से अब हमारे फंक्शंस बन चुके हैं। अभी देखो कोई भी मोटर हमारी मूव नहीं कर रही, तो अब हम क्या करेंगे, स्विचेस को जो हमने बनाया था, स्विचेस को हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे कि हम कौन कौन सी पिन पे हम स्विच यूज कर रहे हैं। तो मैं एक्स्ट्रा कोड को यहाँ से हटा देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल रखेंगे। ये हमारे पास आ गया मोटर्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, स्विच के लिए बताते हैं।
तो स्विच के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबसे ऊपर जाके कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एस डब्ल्यू वन कॉमा एस डब्ल्यू टू। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए स्विच वन और स्विच टू नाम के, और यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, पिन मोड, पिन नंबर कौन सी यूज करी है, टू कॉमा इनपुट। स्विच हमारा किस कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। देन सेम चीज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारे पास पिन नंबर थ्री के लिए, क्योंकि हमने पिन नंबर टू और थ्री यूज करी है स्विचेस के लिए। ठीक है, वो भी हमने इनपुट बना दी। तो हम वॉइड लूप में जाके सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे स्टेटस स्विचेस का। स्विचेस का एस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डिजिटल, आई नीड टू राइट इन स्मॉल लेटर, डिजिटल रीड पिन नंबर टू। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखो ये वाले जो कनेक्शन है, इसको मैंने कहा था फॉरवर्ड के लिए, तो ये वाला जो कनेक्शन है ये कहाँ पर कनेक्टेड है, ये हमारा पिन नंबर टू पे कनेक्टेड है। तो मैं यहां से क्या चेक कर रहा हूँ कि किसी ने क्या फॉरवर्ड बटन को प्रेस करा है कि नहीं करा है। ठीक है, हम यहां से क्या चेक करेंगे, इफ नहीं चेक स्टेटस ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, एंड आई नीड टू राइट इन स्मॉल लेटर्स, क्योंकि मैंने इसमें स्मॉल लेटर्स में इसको वेरिएबल को डिफाइन करा था। ठीक है, उसी तरह से स्टेटस हम दूसरे का भी चेक करेंगे, एस डब्ल्यू टू का। उसमें हम क्या लिखेंगे, डिजिटल रीड पिन नंबर थ्री, और यहां पर हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, रिवर्स का। ठीक है, एंड ये दोनों चीजें चेक करने के बाद अब हम, कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि अब हम क्या करेंगे कि जब मैं फॉरवर्ड बटन को प्रेस करूं तो मेरे पास दोनों मोटर्स फॉरवर्ड में मूव करनी चाहिए, तो क्या यूज करूं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, कंडीशनल, आपको मैंने सारी चीजें करवाई हुई है, कोई भी स्टूडेंट। हाँ जी, ओके, हम यहां पर इफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां पे स्टेटस चेक करूंगा, इफ एस डब्ल्यू वन इक्वल टू वन, तो मुझे क्या करना है, मोटर्स को फॉरवर्ड में मूव करना है। तो मैं यहां पे कह दूंगा रोबो अंडरस्कोर फॉरवर्ड। ठीक है, एंड अगर मैं लिखता हूं इस यहां पर इफ एस डब्ल्यू इक्वल टू वन, एस डब्ल्यू कौन सा, अब टू की बात कर रहा हूं, एस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू इक्वल टू वन, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, else if ठीक है, तो रोबो में को रिवर्स में करना था, रोबो अंडरस्कोर रिवर्स। ठीक है, यही है इसका नाम, रोबो आरबी, एंड यहां पर भी रोबो आरबी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, एंड हम कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो तो एल्स हम क्या करेंगे, रोबो अंडरस्कोर स्टॉप। ठीक है, रोबो अंडरस्कोर स्टॉप, ये हमारे पास तरीका रहेगा स्टार्ट सिमुलेशन। चेक करते हैं कि क्या अब हमारा जो कोड, हार्डवेयर, क्या ये सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में और किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे जो मेन चीजें होती है वो होती है पेशेंस।
क्योंकि अगर हो सकता है कि हमारा सर्किट ना चले तो हमें बैठ के ना प्रॉब्लम के साथ बैठना पड़ेगा, हो सकता है कि उसमें एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, बट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ काम करना है हमेशा। देखो मैं फॉरवर्ड बटन को प्रेस करने वाला हूँ, दोनों मोटर्स मेरी फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, दोनों में पॉजिटिव आरपीएम आ रहा है। मैंने स्विच को छोड़ दिया, दोनों मोटरें स्टॉप होगी। क्यों? क्योंकि एल से मैंने रोबोट स्टॉप लिखा हुआ है। अब मैं रिवर्स वाले बटन को प्रेस करूंगा तो दोनों में माइनस आरपीएम आएगा। ये देखो दोनों मोटर्स मेरी रिवर्स में मूव कर रही हैं, यहां से फॉरवर्ड में मूव कर रही हैं और यहां से रिवर्स में मूव कर रही हैं। सो मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम, कोड में प्रॉब्लम, हार्डवेयर में प्रॉब्लम? देखो एक दिन में सारी चीज समझ नहीं आती है, इसलिए इसे पिछले वाला लेक्चर और ये लेक्चर दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देखना, ठीक है, खुद ट्राई करना। और जब अगर हार्डवेयर भी एक्चुअल में बनाना चाहते हो तो दोनों लेक्चर्स को साथ साथ में देखना। यस, कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम रोबोट को थोड़े से और फंक्शन देते हैं। आप देखते हो ना मूवीज में रोबोट के लिए, वो मूवीज में कई बार प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कभी उसको कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं। तो देख लो रोबोट को सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए इतनी चीजें उसको सिखानी पड़ती हैं। बाद में उसको बात करना सिखाना है, कुछ और काम करना सिखाना है, तो उसके लिए आपको रोबोट को कंट्रोल करना आना चाहिए कि उसके आप एक एक पार्ट को कंट्रोल कर पाओ। यस, एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम राइट और लेफ्ट कैसे मूव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सेट, एंड यहां पर मैं ये एक रोड बना रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप सभी ने आर्मी के टैंक देखे, आर्मी के टैंक या जो चेन वाली जेसीबी होती है, ठीक यस सर। है। यस सर। ठीक है, अब उसी का एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना अब हमारा रोबोट कैसे मूव करेगा। ठीक उस चीज को ध्यान में रखना। ये मान लो हमारे रोबोट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर टायर लगे हुए हैं। ये मान लो आपका रोबोट इस तरह से चल रहा है, अब यहां पर आ गया मोड़, ठीक है। अगर हम टैंक्स की बात करें, तो आपने देखा होगा कि आर्मी के टैंक्स में ना आगे जो फ्रंट व्हील या जो इसके रियर व्हील है उसमें कोई भी स्टेयरिंग वगैरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना मोड़ने के लिए, अगर मानो आपको आर्मी के टैंक को राइट या लेफ्ट मोड़ना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है? इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि आप एक साइड की चेन को, लेट सपोज हम मान लेते हैं, मान इसको राइट और लेफ्ट में मोड़ना है, तो इसमें हमारी सिंपल गाड़ियों की तरह कोई स्टेयरिंग नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, वो एक साइड की चेन को, एक साइड के जितने भी टायर हैं उनको सबको स्टॉप कर देंगे और दूसरी साइड को मूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, मानो मैंने इस साइड को, जैसे मानो मैंने इस साइड को स्टॉप कर दिया और इस साइड को मैंने चलने को, यहाँ पे मैंने पावर दे दी, तो मेरा रोबोट किस तरह से मूव कर जाएगा? रोबोट मेरा इस तरह से मूव करेगा ना, इस तरह से, या आप कह सकते हो यस कि सर। ये सिर्फ ये वाला पार्ट आगे को मूव करेगा। अब यस दूसरा सर। है ना, ठीक है, तो दूसरा केस ये आता है कि मैं इस चेन को फॉरवर्ड मूव करूं और इसको रिवर्स मूव करूं, तब वो क्या करेगा, एक जगह पे खड़ा खड़ा ही पूरा पूरा रोटेट इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल होता है इनका मूव करने का, ठीक है। अगर मेरे को राइट में मोड़ना है तो इस तरह से करेंगे, लेफ्ट में मोड़ना है तो इस तरह से करेंगे। अगर मेरे को बिल्कुल स्टीप कट काटना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली मोटर को रिवर्स में मूव करेंगे, इस वाली को फॉरवर्ड में मूव करेंगे, या हम क्या करेंगे, इस वाली को स्टॉप कर देंगे, इस वाली को मूव करेंगे। तो दोनों केसेस हमारे पास रहते हैं। और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है?
ठीक है, ये जो लाइन फॉलोवर रोबोट्स होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं एक बार इनकी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो सीधी लाइन है बिल्कुल, तो इसके पास अभी दो मोटर्स हैं। जब भी इसको कोई भी कर्व काटनी है, जैसे मानो यहाँ पे एल शेप थी या कुछ और चीज थी, तब वो किस तरह से काम करते हैं, इसमें क्या होता है कि दो टायर्स के ऊपर ही सारा कंट्रोल रहता है। ये पूरी वीडियो में बताएगा कि किस तरह से काम करना है। एंड यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो जब ये मुड़ रहा है तो क्या कर रहा है, या तो इस टायर को पीछे कर रहा है। अब देखो ना यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले व्हील को ये पीछे मूव करेगा, उस वाले को फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये रोबोट क्या करेगा, एकदम से यहाँ पे मूव होके इधर को आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, इस तरह से ये रोबोट चल रहा है। तो इसने तो क्या करा हुआ, सेंसर्स लगाए हुए हैं। जब हम ये रोबोट कंप्लीट करेंगे तो ये वाला रोबोट आप भी बना सकते हो, ठीक है, और इसकी कोडिंग भी हम करेंगे किस तरह से करेंगे। तो देखो आपको आइडिया समझ आ गया हमें करना क्या है। हमें अगर राइट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, तो एक मोटर को स्टॉप करना है या एक मोटर को रिवर्स में करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा एफिशिएंट बनाते हैं उसको, रोबोट को हम क्या करेंगे, रिवर्स में मोटर को मूव करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा इंट। अब मैं देखो मैं फंक्शंस क्यों बना रहा हूँ, मैं एक टाइप से नए फीचर्स अपलोड कर रहा हूँ अपने रोबोट के अंदर। तो अब मैं नया फीचर उसको देना चाहता हूँ, तो मैं नए फीचर में क्या करने वाला हूँ, रोबो राइट, राइट वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। सो सबसे नीचे जाएंगे, यहां पर आके हम क्या करेंगे, इंट रोबो अंडरस्कोर रोबो राइट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो मुझे क्या करना है, मोटर वन को तो फॉरवर्ड में ही मूव करना है, तो मैं मोटर वन में से क्या करूंगा, फॉरवर्ड वाला कोड उठा लूंगा, ठीक है। और राइट को मूव करना है तो मतलब मेरे को इस साइड को मूव करना है, तो मेरे को क्या करना है, कौन सी मोटर को फॉरवर्ड करना है, कौन सी रिवर्स करना है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे को यहां को मूव करना है तो मेरे को इस मोटर को फॉरवर्ड करना है और इसको क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं ये वाली मोटर हमारे पास कौन सी है। ये हमारे पास मोटर वन है, तो मोटर वन को मैं फॉरवर्ड ही मूव करूंगा, ठीक है। तो मोटर वन को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, एंड मोटर टू को करेंगे हम रिवर्स। तो मैंने रिवर्स में से मोटर टू का कोड उठा लिया, पेस्ट, ठीक है। एंड जब मैं जाऊंगा, मैं एक फंक्शन इसको एक और फीचर इसमें डाल देता हूं, इंट रोबो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट किस तरह से मूव करेगा। तो हमें क्या करना है, मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट करा, राइट को यहां पर मैं चेंज कर दूंगा लेफ्ट के साथ, एंड डिजिटल राइट। अब मुझे इस चीज को रिवर्स करना था, ऐसा करते हैं इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। मोटर वन को मेरे को रिवर्स करना है, तो मैं रिवर्स में से मोटर वन का कोड उठाऊंगा, रिवर्स में से, सॉरी ये रिवर्स फंक्शन, रिवर्स में से हमने मोटर वन का कोड उठा लिया और फॉरवर्ड में से मोटर टू का कोड उठाया, और दोनों को हमने एक साथ में रख दिया, ओके। तो राइट लेफ्ट के लिए मेरा मोटर चलने के लिए रेडी है। बट अब उसके पास अभी क्या है, हमारे पास बटन नहीं है जो उसको राइट और लेफ्ट में मूव करे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्विच वन से मान लेता हूँ कि मैं स्विच वन से उसको राइट मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट फंक्शन में लिख दूंगा राइट, जी एच टी राइट, और मैं स्विच टू से उसको लेफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे लेफ्ट, ठीक है। अभी वो फॉरवर्ड रिवर्स नहीं चलेगा, राइट लेफ्ट चलेगा, और अदरवाइज वो स्टॉप रहेगा। देखते हैं, मैंने ये बटन प्रेस करा, तो देखो इस मोटर का हमारा आरपीएम पॉजिटिव में है, इसका नेगेटिव में है, मतलब ये मोटर फॉरवर्ड मूव कर रही है और ये मोटर हमारी रिवर्स मूव कर रही है। ये देखो, छोड़ दूंगा तो स्टॉप हो जाएगा, इस बटन को दबाऊंगा तो उल्टा चलेगा। ये वाली मोटर मेरी क्या करेगी, फॉरवर्ड में मूव करेगी, और ये वाली मोटर मेरी रिवर्स में मूव करेगी। ये देखो बिल्कुल ईजी है। अब ऐसा करते हैं, पूरे हार्डवेयर को बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चेंजेस करे थे उनको रिवर्ट कर लेते हैं, जो हमारा बटन
स्टार्ट के लिए वाला फॉरवर्ड के लिए था उसको फॉरवर्ड कर देते हैं FW, एंड जो रिवर्स के लिए था उसको रिवर्स कर देते हैं RV, कोड को क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर सर्किट में हमें दो स्विचेस और लगाने पड़ेंगे, तो अब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है उसमें क्या आ जाएंगे, दो स्विचेस और आ जाएंगे। तभी मैंने यहाँ से ज़्यादा वायर्स लेके चला था। एक स्विच आ जाएगा मेरा राइट के लिए और एक आ जाएगा मेरा लेफ्ट के लिए। ये राइट के लिए आ गया, लेफ्ट के लिए आ गया। अगर इसको रोक के रखेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो चार वायर्स आपको दिख रही है किस चीज़ के लिए दिख रही है, फॉरवर्ड रिवर्स राइट लेफ्ट। यहाँ से दो वायर्स और भी आएंगी। दो वायर्स में क्या आएगा, आर्डिनो से 5 वोल्ट और आर्डिनो से ग्राउंड, ठीक है, वो तो चलो रिक्वायरमेंट है ही हमारे। और इन स्विचेस के साथ यहाँ पर चार रेजिस्टेंस भी लगेंगे। सर्किट में दिखा देता हूँ बना के। जैसे दो रेजिस्टेंस लगाए थे, एक रेजिस्टेंस और लेंगे, एक रेजिस्टेंस और ले लेंगे यहाँ पे। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कर लेंगे 220 ओम, इस वाले सर्किट में भी कर लेंगे 220 ओम, ठीक है। और वही बेसिक्स फॉलो करेंगे, दोनों के ग्राउंड टर्मिनल्स को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। कलर कर लेते हैं ब्लैक, दो बटन्स भी चाहिए होंगे तो एक बटन हम यहाँ जैसे लगा लेते हैं। इस वायर को थोड़ा सा और इस वायर को भी थोड़ा सा इसमें ऐसे रखते हैं कि हमारे स्विचेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैंने एक स्विच लिया, ठीक है, यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं, एक स्विच यहाँ पर रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले तो स्विचेस को करेंगे 5 वोल्ट से कनेक्ट। तो ये कर दिया 5 वोल्ट से कनेक्ट, ये कर दिया 5 वोल्ट से कनेक्ट, ठीक है। स्विचेस 5 वोल्ट से कनेक्ट हो गए। दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस के साथ, दूसरे टर्मिनल को करना है कनेक्ट रेजिस्टेंस के साथ, और जो चीज़ बच जाएगी अब हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, आर्डिनो की पिंस के साथ कनेक्ट करना है। तो देखो आर्डिनो की मैक्सिमम पिंस मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से 11 और 12 यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट के लिए पिन यूज़ कर रहा हूँ 11, और इसको कलर कर देते हैं। आई थिंक मैंने पहले कौन सा कलर यूज़ करा था, ग्रीन, ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन यहाँ से कर लेंगे यूज़, और एक हम ग्रीन यहाँ से कर लेंगे पिन नंबर 12 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा सर्किट मैंने मैसी बना दिया हुआ है, बट इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। एंड फिर से वही स्टेप्स करेंगे। अब मेरे पास स्विचेस चार हो गए, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करूंगा, स्विच नंबर 3 भी ले लूंगा, या स्विच को जिसको मैं कह सकता हूँ स्विच आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, स्विच 3 ले लेते हैं आराम से, ठीक है। एंड स्विच नंबर 4 ले लेते हैं। या स्विच 3 एंड स्विच 4 हमने ले लिए यहाँ पे। एंड देन उन स्विचेस को मेरे को इनपुट भी बनाना है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास स्विचेस। सो पिन नंबर 11 और 12 यूज करिए हमने, 11 एंड 12 को इनपुट बना दिया, ठीक है। अब स्विचेस के स्टेटस को भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि रीड करेंगे तभी तो उसको इफ इफ या एल्स इफ में यूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्विच 3 में एक स्टेटस इनपुट करेंगे, किस चीज का, डिजिटल रीड करेंगे, कौन से पिन को डिजिटल रीड करेंगे, पिन नंबर 11 को, ठीक है। और ये किस चीज के लिए हम रीड कर रहे हैं, ये हम रीड कर रहे हैं चेक स्टेटस फॉर आई थिंक मैंने जो 11 कनेक्ट करा हुआ राइट के लिए कनेक्ट करा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। फॉर राइट कॉपी करा, देन पेस्ट, स्विच नंबर 4 का स्टेटस पता करेंगे यहाँ से,
पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करा हुआ है और यहाँ से हम स्टेटस पता करेंगे लेफ्ट का। सो अभी हमने यहाँ तक काम कर लिया। इफ में हमने सबसे पहले इफ हमने लगाई है किस चीज के लिए, साथ आते लिखते चलते हैं कि इफ किसने लगाई, फॉरवर्ड के लिए। ये else if हमने लगाई थी, स्विच टू हमारा किस चीज का काम कर रहा था, रिवर्स के लिए, RB एंड देन हम यहां पर एक else if अब और बनाएंगे, else if SW3 equal to 1। ठीक है, जब स्विच 3 हमारा पास 1 हो जाएगा, वो कौन सा था, राइट के लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारे पास कौन सा फंक्शन था, रोबो राइट और सेमी कॉलन। चेक कर लेते हैं, रोबो राइट, यस बिल्कुल यही फंक्शन था हमारे पास। तो यहाँ से हमारा रोबोट राइट में मूव करेगा। और एक else if और बनाएंगे, वो किस चीज के लिए बनाएंगे, अब लेफ्ट के लिए बनाएंगे, else if SW4 equal to 1 left। ठीक है, left के लिए बना रहे हैं, curly bracket start, curly bracket close, else if का syntax हम already discuss कर चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे row को left के, row हमारा left में move करेगा। check कर लेते हैं कि यह हमने function इसी नाम से बनाया, बिल्कुल रोबो लेफ्ट, बिल्कुल इसी नाम से हमने फंक्शन बनाया हुआ है। तो अब हमारा कोड एग्जैक्टली पूरा हो चुका है। और एल्स में क्या हो जाएगा, स्टॉप, जब चारों में से कोई भी बटन प्रेस नहीं होगा तो हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, कोड को क्लोज करेंगे और यहाँ से अब टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड, देखो बाई डिफॉल्ट कंडीशन में रोबोट हमारा स्टॉप कंडीशन में है। जैसे मैंने फॉरवर्ड करा, दोनों RPM हमारे पास पॉजिटिव में आ गए, स्विच छोड़ दिया, दोनों मोटर स्टॉप हो जाएगी। रिवर्स में मूव करूंगा तो दोनों मोटर्स हमारे पास क्या जाएंगी, रिवर्स में मूव करेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे तो दोनों मोटर रुक जाएंगी। अब मैं राइट बटन को प्रेस कर रहा हूं तो देख लो हमारे पास राइट मोटर फॉरवर्ड में मूव कर रही है, लेफ्ट मोटर रिवर्स में मूव कर रही है। और अगर मैं लेफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूं देन हमारी ये वाली मोटर बैक में मूव कर रही है और ये हमारी फॉरवर्ड में मूव कर रही है। तो ये हमारा रोबोट बनके पूरा तैयार हो। अब बताओ किसी को कोई डाउट, हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम डाउट ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने मिनिमम वही 2 दिन लगाए, ठीक है, बट एक्चुअल में आपको 3 से 4, 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, जब आप हार्डवेयर पे भी काम करोगे साथ में सॉफ्टवेयर पे भी काम करोगे। यस एनी डाउट्स सर? हाँ जी सर, कनेक्शन तो इसके समझ में आ रहे हैं बट कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कोड में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा करना ना, आपने ये जो वीडियोस हैं इसको 2 बार देख के ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी मैंने उसी प्रोग्रामिंग को यूज करा हुआ है। और मैं जब प्रोग्रामिंग में करता हूँ ना, मैंने एक कनेक्शन किया, उसके लिए प्रोग्राम बनाया, जितना मेरा प्रोग्राम सेट हो गया उसको मैं छेड़ूंगा, ठीक है। दोनों वीडियोस को देखना, फिर हम क्या करेंगे, एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लिख के रखना कॉपी पे, हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आज आपको मैं ये सारा कोड आपको ग्रुप में टेक्स्ट के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ये वाला कोड सारा, ठीक है। वीडियो भी हो जाएगी। अब देखो ना इसमें कोड में अगर आप देखोगे तो कोड की लेंथ कितनी है, 102 लाइन का कोड है, ठीक है, क्योंकि आप देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 102 लाइन का कोड कोई भी पर्सन याद नहीं रख सकता, तो आपको समझना ही पड़ेगा। और डेवलप हो सकता है कि आप इसे कम लाइनों में ये कोड डेवलप कर सकते हैं, मैं भी इस कोड को कम लाइनों में डेवलप कर सकता हूँ, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे, बट वो अभी तक मैंने आपको उतने, वो जो प्रैक्टिस के बाद ही आते हैं, ठीक है।